विकलांग, पैरालिसिस पीड़ित और बुजुर्ग लोगों के लिए बेहतरीन बैटरी से चलने वाली इलेक्ट्रिक ट्राइसिकल। ग्रीन स्टार इलेक्ट्रोमोटिव्स। ग्रीन स्टार कंपनी की यह ट्राइसिकल खास तौर पर विकलांग लोगों के लिए डिजाइन की गई है, जिसको विकलांग भाई बहन बड़ी आसानी से चला सकते हैं। और हाँ, जो लोग एक हाथ का ही इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके लिए भी कोई परेशानी की बात नहीं है। इस ट्राइसिकल में बड़ी आसानी से बैठा जा सकता है। आगे का एक्सीलेटर हैंडल और साइड सपोर्ट ऊंचा करने से सीट मुकम्मल खुल जाती है। बैठने के बाद हैंडल नीचा करके सिर्फ स्विच चालू करके एक्सीलेटर से ट्राइसाइकल चलने लगती है। ये ट्राइसाइकल में बाइक के मजबूत टायर इस्तेमाल किए गए हैं और 110 केजी तक वजन उठा सकती है। इस ट्राइसाइकल में बाइक के टायर, सस्पेंशन फोर्क, एलईडी लाइट और हॉर्न है, और इसके साथ आगे और पिछले दोनों व्हील में डिस्क ब्रेक है, जिससे ब्रेक लगाना आसान हो जाता है। इस इलेक्ट्रिक ट्राइसाइकल में 12 वोल्ट 24 एम्पियर की दो SMF ई बाइक लीड एसिड बैटरी और 24 वोल्ट 350 वाट की हाई एफिशिएंसी डीसी मोटर इस्तेमाल की जाती है। इस ट्राइसाइकल की स्पीड को इंटेलिजेंट कंट्रोलर का इस्तेमाल करके एक्सीलेटर के जरिए कंट्रोल किया जाता है। इस ट्राइसाइकल को मुकम्मल चार्जिंग करने में 5 घंटे का वक्त लगता है और एक बार मुकम्मल चार्जिंग करने पर 50 से 60 किलोमीटर तक चलती है। इसकी ज्यादा से ज्यादा रफ्तार 25 किलोमीटर फी घंटा है। रास्ता कैसा भी हो, सीधा, खुरदुरा, मिट्टी वाला, ऊंचा नीचा, हर जगह इस ट्राइसाइकल का चलाना बहुत आसान है। कैसी भी चढ़ाई हो, ये साइकिल आसानी से चढ़ सकती है। इस ट्राइसाइकल के संशोधक अस्तर पर टुक्का को ये ट्राइसाइकल बनाने पर बहुत सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और मिसिस प्रतिभा पाटिल ने इनके काम की तारीफ की और इनको राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। और इनके साथ भारत की बड़ी संस्थाएं जैसे नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, ज्ञान सृष्टि, PGP ग्रुप ने भी इन्हें ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। और इनकी स्टोरी को इंडिया के कई अखबारों के साथ साथ जापान के मेट्रो मैगजीन ने भी कवर किया। ये ट्राइसाइकिल दिखने में खूबसूरत है, मजबूत भी है। विकलांग, पैरालिसिस पीड़ित और बुजुर्ग लोग जो उम्र ज्यादा होने की वजह से चल नहीं पाते, उनके लिए बेहतरीन ट्राइसाइकिल है।